नमस्कार, गुड मॉर्निंग खमागणी दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता होगा, मैं यहाँ आपके लिए लेकर आता हूँ डेली की करंट अफेयर कुछ इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन यू कैन प्रेस सब्सक्राइब बटन टू गेट ऑल अपकमिंग एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम माई चैनल। सो फर्स्ट क्विज, विच एडिशन ऑफ द कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन शॉर्ट KIFF इज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो अभी रिसेंटली जो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, उसका कौन से संस्करण का उद्घाटन अभी किया गया है? तो ये 23वां संस्करण है दोस्तों, जिसका उद्घाटन अभी किया गया है कोलकाता फिल्म फेस्टिवल का। नेक्स्ट क्विज है, ड्यूरिंग द 23rd GST काउंसलिंग मीटिंग हेल्ड एट गुवाहाटी आसाम, द GST काउंसलिंग सेलेक्ट रेट फॉर द बोथ AC एंड नॉन AC रेस्टोरेंट टू। तो अभी रिसेंटली जो 23वीं GST काउंसलिंग जो मीटिंग हुई है, GST परिषद की मीटिंग हुई है, उसके जो कि गुवाहाटी आसाम के अंदर हुई थी, और इसमें जो AC और नॉन AC जो रेस्टोरेंट है उनकी रेट में जो है, उसकी जो उस रेट में है इजाफा किया गया है, यानी कि कटौती की गई है। तो ये कितनी की गई है दोस्तों? 5% ये कम की गई है। नेक्स्ट क्विज है, रिसेंटली कतर हैज़ अपॉइंटेड द वुमेन टू वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसल्टेटिव बॉडीज द सूरा काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्रीज हिस्ट्री, हाउ मैनी वर अपॉइंटेड। तो अभी जो ये कतर की जो है, कतर में इन्होंने जो इनकी इम्पोर्टेंट कंसल्टेटिव बॉडीज है, इनके अंदर जो सूरा काउंसलिंग है, सूरा काउंसलिंग में क्या है कि महिलाओं की जो है नियुक्ति की गई है। अब की बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं की नियुक्ति जो की गई है, तो इसमें कितनी महिलाओं की जो है नियुक्ति की गई है? तो टोटल 4 महिलाओं की नियुक्ति की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्विज इज, विच क्रिकेट प्लेयर वाज नेम्ड ए गवर्नमेंट नॉमिनी इन द दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन इन शॉर्ट DDCA मैनेजिंग कमेटी। तो अभी रिसेंटली जो यहाँ पे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन इन शॉर्ट बोलते हैं इसको DDCA, तो इसका जो मैनेजिंग कमेटी का जो मेंबर है वो कौन से जो प्लेयर है उसको है घोषित किया गया है, कौन से प्लेयर को यहाँ पे नियुक्त किया गया है जो कि गवर्नमेंट नॉमिनी की तरह काम करेगा? तो दोस्तों आंसर होगा इसका, गौतम गंभीर को ये नियुक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्विज इज, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू ट्रीट ए हेपेटाइटिस सी पेशेंट थ्रू द ओरल मेडिसिन। तो इंडिया का पहला कौन सा राज्य बन गया है जो कि जो हेपेटाइटिस सी जो नामक जो बीमारी है उसके पेशेंट को ओरल मेडिसिन बोले तो मौखिक रूप से जो दवा के मौखिक दवा के रूप में यहाँ पे जो है इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो ऐसा कौन सा पहला राज्य बन गया है? तो ये है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में ओरल मेडिसिन के थ्रू इनका इलाज किया जाएगा। नेक्स्ट क्विज इज, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल गेट 2017 मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर द जस्टिस सोशल जस्टिस। तो अभी रिसेंटली कौन सा जो संगठन है वो मदर टेरेसा अवार्ड से नवाजा गया है दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा UNSC, ये वाला दोस्तों UNHCR, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजी, जो संगठन है ये इसके लिए मतलब कि चुना गया है। नेक्स्ट क्विज है, विच यूनिवर्सिटी इन द इंडिया डिसाइड टू गिव द गोल्ड मेडल ओनली टू द स्टूडेंट हु आर वेजिटेरियन एंड नॉन ड्रिंकर। तो अभी रिसेंटली कौन सी यूनिवर्सिटी ने है जो यहाँ पे एक गोल्ड मेडल का जो है शुरुआत किए देने की, जो स्टूडेंट वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी और जो ड्रिंक नहीं करते उनके लिए? तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये है दोस्तों जो यहाँ पे सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी जो है इनका नाम है, और इन्होंने ये डिसाइड किया है। नेक्स्ट क्विज है हमारी यहाँ पे, रिसेंटली कतर हैज़ अपॉइंटेड, अच्छा दोस्तों ये हो गया। नेक्स्ट क्विज है, विच कंट्री टू होस्ट द 12th एडिशन ऑफ ईस्ट एशिया समिट EAS 2017। तो जो शिखर सम्मेलन 2017 है, 12वां शिखर सम्मेलन, वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो ये है दोस्तों फिलीपींस जो है इन्होंने होस्ट कर रही है। नेक्स्ट है कृति निधि बिस्ता,
हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, जो कीर्ति निधि बिस्ता है अभी रिसेंटली जो इनका निधन हुआ है, तो ये कौन से कंट्री की जो है पीएम रही है दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री, तो ये रही थी दोस्तों नेपाल की। तो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट करंट अफेयर की, जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगी। और जो भी कुछ अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वन मोर थिंग मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ दोस्तों को यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि हिंदी में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ, और कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट है कि मैं इंग्लिश में ये क्विज आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली मैं इंग्लिश में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो हिंदी भी आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ साथ के साथ, तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको काफ़ी प्लस पॉइंट मिलेंगे अगर मैं इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जिन दोस्तों की इंग्लिश वीक है या फिर उनको, तो मैं उनके लिए बिल्कुल हिंदी बोलता हूँ यहाँ पे, तो उनको जो वोकैब है उनकी वो भी इम्प्रूव होने वाली है। तो ऐसे यहाँ पे आप बिल्कुल घबराए नहीं, जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट है यहाँ पे पूरा मैं इंग्लिश का जो है हिंदी कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ। तो यही आज के इस वीडियो में बताना चाह रहा था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और जो मेरे दोस्त व्यूअर्स नए हैं वो आगे के हर नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूले। दोस्तों अभी के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।